हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी रेसिपीज़ जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रमज़ान बहुत ही आराम से गुजर जाएगा, आपको इबादत का बहुत सा टाइम मिलेगा और आराम का भी। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप रेगुलर डेज़ में भी फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी, तो आप वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने जिंजर गार्लिक को अच्छे से छील लिया है और एक टिश्यू से पोंछ लिया है। फिर हम इसे फूड प्रोसेसर या मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और सिरका डाल के पीसेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसे आप किसी बॉटल में, साफ़ कांच की बॉटल या फिर एयरटाइट कंटेनर में रखिए। आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो आराम से ये चल जाएगा 20-25 दिन। दही बड़े खाना सबको पसंद होता है, पर इसको बनाना बहुत ही झंझट का काम लगता है, स्पेशली रमज़ान के दिनों में। तो अगर आप इसके बड़ों को पहले से बना कर और फ्रीज़ कर लें तो ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छिली उड़द की दाल भिगा दी थी एक दिन पहले, फिर उसके बड़े बना कर फ्राई कर लिए और जिप पाउच में डाल के उसको फ्रीज़ कर दिया। इसी तरह आप बेसन की फुल्कियाँ भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमें बिरयानी या कोरमा बनाना होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है प्याज को फ्राई करना, तो अगर आप इसे भी पहले से कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप डीप फ्राई कर सकते हैं रेगुलर तरीके से, मैंने ओवन में फ्राई किया। जिस टेम्परेचर पे हम खाना गर्म करते हैं उस पे हमें 10 मिनट के लिए थोड़े से ऑयल के साथ इसको फ्राई करना है। दिन निकाल के इसे मिक्स करना है, दिन 15 मिनट के लिए और सेम टेम्परेचर फ्राई करना है और हमें अच्छी क्रिस्पी प्याज मिल जाएगी। नेक्स्ट आप बेसन का मिक्सचर बना के रख सकते हैं। जो भी स्पाइसेस आपको ऐड करनी है, नमक, मिर्ची, धनिया, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए तो आपको पकौड़े बनाना आसान हो जाएगा, साथ में बेसन में घुन भी नहीं लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं, आप चीनी को पीस कर रख सकते हैं। अगर आप शरबत रेगुलर बनाते हैं हर दिन तो चीनी वगैरह घोलने में बहुत टाइम लगता है, तो आप एक एयरटाइट कंटेनर में चीनी को पीस कर रख लें। नेक्स्ट हम बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से टिश्यू पेपर से सुखा लिया है और देन इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इसे अच्छे से लगाना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे हंग कर्ड, दही को मैंने छलनी में लटका दिया था, पानी सारा निकल गया और गाढ़ी हो गई। देन हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, या मैंने शान का बिरयानी मसाला ऐड किया है, गरम मसाला, होममेड गरम मसाला था, और तली हुई प्याज, पिसी हुई धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, इन सबको अच्छे से चिकन पे लगाना है और देन हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिरयानी बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसे मैंने अलग अलग पैकेट्स में करके रख दिया है जितनी बार मुझे बनाना था। हमारे यहाँ सिर्फ 4 ही लोग हैं तो मैंने 4 पैकेट में कर दिया, हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा इतना, आप समझ कर सकते हैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन, इसे अच्छे से बीट करके इवन कर लें, देन इसे क्यूब्स में काट लें। अब यहाँ पे मैं टिक्का का मैरिनेशन करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया अदरक लहसुन, हल्दी, नमक, मिर्चा, गरम मसाला, सरसों का तेल और नमक और दही, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने हाफ चिकन टिक्का मसाला में ऐड कर दिया और इसे भी मैं 2 पैकेट में करके रख लूँगी और जिस दिन बनाना होगा बस निकालना है, फ्राई करना है और मसाला बना के ऐड कर देना है, दैट्स इट। तो काम कितना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बटर चिकन का मैरिनेशन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल होता है, तो बस इसमें नमक, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, गरम मसाला, दही और इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें डाल देना है बोनलेस चिकन और नींबू का रस, बस। नेक्स्ट हम चलते हैं कबाब्स की तरफ, जिसे हम बना कर फ्रीज करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे टर्की शदाना कबाब, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा, 1 शिमला मिर्च, लहसुन, हरी धनिया और पिसी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, नमक और साथ में नींबू और लेमन जेस्ट। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है या फिर आप कूट लें चाकू की हेल्प से, देन हम इसे शेप दे देंगे। अगर आपको शेप देने में प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं और बस इसे इस तरह से शेप दे के फ्रीज कर लेना है। अगर आपके पास क्यूअर्स नहीं है तो आप पेंसिल की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बस ये कबाब बहुत टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे कबाब की तरफ। अब हम चिकन कबाब के लिए स्पाइस मिक्स तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी अजवाइन, इन सबको हमें पीस लेना है। हमें ऐड करना है
चिकन बोनलेस, साथ में धनिया, पुदीना, प्याज, अदरक लहसुन और स्पाइस मिक्स, इन सबको हमें साथ में पीस लेना है। आप चाहें तो कीमा ले सकते हैं चिकन का और बाकी सारे मसाले मिक्सर में पीस लें और बस नींबू का रस डाल के इसको मिक्स करें और शेप दे दें। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कबाब बनाए हैं, आप लंबे वाले, गोल वाले कोई से भी बना सकते हैं, पर ये कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। तो अब हम बनाएंगे शामी कबाब। तो सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर में 2 बड़ी प्याज फ्राई करनी है, बस ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए, ज़्यादा ब्राउन या ब्लैक नहीं करनी है। जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तो हम इसमें 1 kg मटन या बीफ बोनलेस ऐड करेंगे, साथ में लहसुन, अदरक और खड़ी लाल मिर्च। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन, सेम अमाउंट में अदरक और खड़ी लाल मिर्च, 1 कप भीगे हुए चने की दाल और कुटी हुई धनिया और साथ में खड़े मसाले और नमक, इन सारी चीज़ों को डाल के, लाल मिर्च और इन सारी चीज़ों को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है थोड़ी देर। देन ऐड करना है पानी और पानी डाल के इसे सीटी लगा देना है जब तक कि सही से गल नहीं जाता। जब ये अच्छे से गल जाए तो इसे मिक्सर या फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और बस इसे हमें गोल गोल शेप दे लेना है और बस इसे भी फ्रीज कर लीजिए। ये कबाब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आप इसे ब्रेड में डाल के खाइए, बर्गर में डाल के खाइए, दाल चावल रोटी किसी से भी खाइए, तो बेस्ट कबाब है। अच्छा, नेक्स्ट टिप है कि आप काबुली चने को बॉईल करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने पानी में बॉईल करके इसे अलग अलग कंटेनर में डाल के फ्रीज कर लिया है और काले चनों को भी मैंने बॉईल करके अलग अलग कंटेनर में अपनी यूज़ के हिसाब से सेव कर लिया। नेक्स्ट हम इमली की चटनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इमली 1 रात पहले भिगोई थी जिससे पल्प अच्छे से निकल गया था। देन सबसे पहले हम एक पैन में लेना है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, इन सबको रोस्ट करके पीस लेना है। देन पैन में हमें इमली का पल्प जो निकाला था वो डालना है और इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। अगर आप 250 ग्राम इमली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें 300 ग्राम गुड़ ऐड करना होगा। देन हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, नमक और साथ में स्पाइस मिक्स, इन सबको हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी तार जैसी ना हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी। और बस हमारी चटनी तैयार है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सब्जियों की तरफ। तो रमज़ान में सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो अगर आप पहले से ही इसे लेकर अच्छे से स्टोर करें तो आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम तो बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पर मैंने धनिया को लेके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है। देन यहाँ पर मैंने पालक ली, इसे भी इसके रूट्स काट के इसे भी स्टोर कर लिया है एक एयरटाइट कंटेनर में। अच्छा, हम अदरक लहसुन बना चुके हैं, प्याज फ्राई कर चुके हैं, तो अब हम टमाटर भी सेव कर लेंगे ताकि सालन वगैरह बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी के टमाटर लेके उसे अच्छे से धोकर काट के उसका प्योरे बना लिया मिक्सर में डाल के, देन इसे भी फ्रीज कर लिया। बस जब भी सालन बनाना हुआ 1 क्यूब निकाला और काम हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है, आप ज़रूर फॉलो करें, आपका हांडी का काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में नींबू को अच्छे से धो के पोंछ के रख लिया है, इसे नींबू लंबे टाइम तक ठीक रहते हैं। अगर आपके यहाँ भी सब्जियाँ बनती हैं रमज़ान के टाइम पे तो आप सब्जियों को भी चॉप करके रख लें। मेरा भाई गोश्त वगैरह नहीं खाता, उसको सब्जियाँ पसंद है, तो यहाँ पे मैंने भिंडी वगैरह भी काट के रख ली है ताकि बनाना बहुत आसान हो, वरना बहुत ज़्यादा झंझट लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन छोटे छोटे चॉप करके रख लिया, जिससे चाइनीज़ वगैरह में ऐड करना हो तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे का पार्ट है, इसको मैंने अलग पैकेट में रखा है। अब हम मिर्चों को अच्छे से धोकर साफ़ करके उसके ऊपर का पार्ट हटा के रख सकते हैं और ये लंबे टाइम तक ठीक रहती है। यहाँ पे मैंने गाजर और पत्ता गोभी भी श्रेड करके रख लिया, जिससे मंचूरियन फ्राइड राइस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं जिन्हें फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है तो आप ये काम करके ज़रूर रख लें, जिससे फ्रेंच फ्राइज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बस आलू को अच्छे से धो के, छील के और इन शेप में काट लेना है। बस कॉर्न फ्लोर लगा के मिक्स करिए और जिप पाउच में रख लीजिए और जब भी फ्राई करना हो थोड़ा सा निकालिए और फ्राई कर लीजिए, फिर ऊपर से मसाला स्प्रिंकल करके जो भी आपको ऐड करना हो। अब हम चटनियाँ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अराउंड 50 ग्राम्स लाल मिर्च ली है, जिसमें से बीज निकाल दिए, वरना बहुत तीखी होती है। पहले मैंने इसे भिगा दिया था बीज निकाल कर। देन इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, नमक और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल,
बस इसे पीस लेना है और फ्रीज कर लेना है। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनती है पर ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मस्टर्ड ऑयल आप ज़रूर ऐड करें, इससे ही चटनी का एक्चुअल टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो आप ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे स्पेशल ग्रीन चटनी। इसमें मैंने ली है हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, साथ में हरी धनिया और इसे भी अच्छे से धो कर लेना है, और पुदीना, हरी धनिया से हाफ पुदीना होगी, और सेसमे सीड यानी तिल की सीड, और नमक, एक लहसुन, और आम की कैरी, खजूर, इन सारी चीज़ों को बस थोड़े से पानी के साथ पीसना है। और बस इसे भी आप फ्रीज कर सकते हैं, ये टेस्टी भी होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप नींबू का रस ऐड कर लीजिए। दैट्स इट। अब हम चलते हैं फिलिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं समोसे की फिलिंग बना रही हूँ। मैंने लिया है ऑयल, उसमें ऐड किया एक प्याज। प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा और एक चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च। देन हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देन ऐड कर देंगे हरी मटर अराउंड 1 कप, और इसे भी कुक करना है, नमक डालना है और सारी चीज़ों को मिक्स करना है। देन ऐड करना है उबली हुई आलू। सबको अच्छे से मिक्स करिए, ऊपर से अमचूर डालिए और ऊपर से हरी धनिया डालिए ढेर सारी, और इसे अच्छे से मिक्स करिए। और समोसा शीट में डाल के आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप समोसा शीट घर पर बनाना चाहते हैं तो मैंने उसकी भी रेसिपी आगे वीडियो में शेयर की है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिलिंग की तरफ। ये स्प्रिंग रोल की फिलिंग। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इसे ऑयल में फ्राई किया, देन ऐड किया अदरक लहसुन, नमक, मिर्च, सोया सॉस, वेनेगर, और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया, और साथ में टिक्का मसाला भी। और बस देन उसी कढ़ाई में मैंने ऐड किया है श्रेडेड सब्जियां, जिसमें है पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। फिर जो चिकन कुक किया था उसे और श्रेड करके ऐड कर दिया, ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन। अब हम थर्ड फिलिंग बनाएंगे, कीमे की फिलिंग। तो मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल, उसमें डाल दिया है कीमा, उसमें डाला अदरक लहसुन और नमक, तली हुई प्याज, कुटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से कुक करना जब तक कीमा गल नहीं जाता। और बस ऊपर से ढेर सारी हरी धनिया डालिए और मिक्स कर देना है। अब हमारी फिलिंग्स बन गई हैं, तो अब हम सीख लेते हैं कि कैसे समोसा शीट बन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 1 kg आटा, उसमें डाला ऑयल और नमक, इन सबको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से गूंद के इसको 15 मिनट्स के लिए रख दिया। देन फिर इसे अच्छे से गूंद लिया, देन इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और बस इन सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, अब हमने इक्वल पोर्शन डिवाइड किए थे तो उन्हीं पोर्शंस की हमें रोटियां बना लेनी है। देन हर रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना है, आटा लगाना है, फिर दूसरी रोटी रख देनी है, फिर उसके बाद उन सबको एक साथ बेलना है। फिर तवे पे रख के दोनों साइड सेक लीजिए 15-15 सेकेंड्स के लिए। फिर उसके बाद जब आप सेक लेंगे तो आप देखेंगे रोटियाँ ईजिली अलग हो जाएंगी। और फिर बस इसको जो है कॉर्नर्स को आप काट दीजिए, तो आपको जो भी शेप चाहिए समोसे का, स्प्रिंग रोल का, वो मिल जाएगा। और जो कॉर्नर उसे फेंकिए मत, उसे आप फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल पापड़ जैसा टेस्ट देगा। और बस यहाँ पे मैंने बीच वाले जो स्क्वायर मिला था उसे 2 में डिवाइड कर लिया, तो समोसे की मुझे शीट मिल गई। तो यहाँ पे मैंने जो आलू की फिलिंग बनाई थी उसे भर लिया, और बस इस तरह से मैंने सारे समोसे तैयार करके फ्रीज कर लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से समोसे को फोल्ड करना है, और बस इसी तरह से आप कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। कॉर्नर्स को स्टिक करने के लिए आप चाहें तो मैदे और पानी का मिक्सचर बना सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कॉर्नर्स अच्छे से जो है चिपक जाएंगे और निकलेंगे नहीं। अब हम स्प्रिंग रोल की फिलिंग देख लेते हैं। तो पहले मैंने जो स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था यहाँ उसको नहीं किया, तो ये हमारे स्प्रिंग रोल शीट हो गई। इसमें मैंने स्प्रिंग रोल का जो मसाला बनाया था वो डाल दिया, और बस इस तरह से आपको फोल्ड करना है। आप देख लीजिए, पहले नीचे से एक बार फोल्ड करना है, देन साइड से, देन इसको रोल करते जाना है, और हमारा स्प्रिंग रोल रेडी हो गया। लास्ट में आप थोड़ा सा मिक्सचर लगाइए, और बस
और हमारा समोसा, स्प्रिंग रोल और कीमा समोसा सब रेडी हो गया। इसे भी जिप पाउच में डाल के आप फ्रीज करिए और पूरे रमज़ान आराम से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और रेसिपीज़ देने की कोशिश करी हैं, तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।